अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं टिक्का मसाला। बहुत सारे आपने कमेंट्स किए हैं, इसलिए मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ टिक्का मसाला। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। ज़ीरा लिया है 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, काली वाली इलायची ली हमने 2, छोटी इलायची ली है 4 अदद ग्रीन वाली, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 अदद लौंग लिए हैं, पेपरिका पाउडर लिया है हमने 1 टेबल स्पून। ये तीखा नहीं होता इसलिए हमने लिया है कलर के लिए, मसाले में कलर बहुत अच्छा आएगा। काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, लोहड़ी नमक लिया है हमने 1/2 टीस्पून जिसे काला नमक कहते हैं, कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। अब ये जो साबुत चीज़ें हैं इन्हें हमने ग्राइंड करना है और पाउडर चीज़ों को मिक्स करना है। तो इसमें डालेंगे हम ये ज़ीरा, साबुत धनिया, काली इलायची और ग्रीन इलायची, 2 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। अब इसको हम पीस लेंगे। तो ये ग्राइंड हो गया, इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो पाउडर मसाले हैं जो पहले से हुए हुए हैं पाउडर, मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और ये काला नमक। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया, तो तैयार है हमारा टिक्का मसाला। तो तैयार है हमारा होममेड टिक्का मसाला, बहुत ही खुशबूदार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ऐसे ही बनाइए जैसे मैंने बनाया है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों का कहना है कि आप बदल गई हैं, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बदली। तो इस टिक्का मसाला की रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।